खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। कल रात लाल किले के पास से सज्जाद नाम के इस संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। वरुण जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या जानकारी है इस खबर पर आपके पास? देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साजिद खान उस सज्जाद नाम के इस जैश कमांडर को गिरफ्तार किया है। कल इसकी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। जो सूत्र है वो बताते हैं कि दिल्ली के अंदर एक शॉल बेचने वाला बनकर यहाँ पर रह रहा था, क्योंकि कई जो कश्मीर से जो लोग हैं दिल्ली में आकर शॉल बेचते हैं। कुछ इस तरीके से इसने अपना जो रूप था वो धारण किया हुआ था। स्पेशल सेल के पास इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसका जो छोटा भाई है वो भी जैश का आतंकी था और वो इससे पहले मारा जा चुका है। तो फिलहाल आज इसको कोर्ट में पेश कर जो स्पेशल सेल है वो इसकी रिमांड लेगी, उसके बाद आगे साफ हो पाएगा आखिरकार क्या इनकी मंशा थी, किस मकसद से यहाँ पर रह रहे थे, आगे क्या प्लानिंग थी, किन लोगों से इन्हें मिलना था। इससे पूरा जो खुलासा है वो इसकी रिमांड लेने के बाद ही हो पाएगा। तो लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारी है जिसमें ये जैश का कमांडर है, इसकी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। जी वरुण, लगातार इंटेलिजेंस इनपुट थे कि जैश ए मोहम्मद दिल्ली में भी हमला कर सकता है, कोई अटैक हो सकता है, क्या हम इस गिरफ्तारी को उस इंटेलिजेंस इनपुट से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद अहम गिरफ्तारी है। जिस तरीके से अभी पीछे पुलवामा में अटैक हुआ था उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि राजधानी दिल्ली के अंदर भी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इंटेलिजेंस लगातार इन इनपुट पर काम कर रही थी और अब ये एक जैश कमांडर की गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं उन चीजों को भी आपस में जोड़ता है। यही वजह है कि इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और अब रिमांड के बाद ही इनकी जो पूरी प्लानिंग है, आगे क्या मंशा थी, क्या मकसद था, और ये सब चीजें साफ हो पाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए सिर्फ एबीपी न्यूज़।